ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा आईटीआई और पॉलिटेक्निक के 30 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट कराया गया। राजकोट की मल्टीनेशनल कंपनी जीएन अल्टेक में 2,00,000 के पैकेज पर 30 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट किया गया। नीमच नगर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था ज्ञानोदय महाविद्यालय हमेशा से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में वर्तमान में आईटीआई और पॉलिटेक्निक के 30 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट राजकोट की मल्टीनेशनल कंपनी जीएन अल्टेक में करवाया गया। यह जानकारी देते हुए ज्ञानोदय महाविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि उत प्लेसमेंट 2,00,000 के पैकेज पर हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों को समस्त सुविधाएं प्राप्त है। इस अवसर पर आयोजित एक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि सीटीवी के ब्यूरो चीफ राकेश सोन तथा राजस्थान पत्रिका के ब्यूरो चीफ मुकेश सहारिया, प्रसिद्ध समाज सेवी शिव महेश्वरी, संस्था के चेयरमैन श्री अनिल चोरसिया तथा आईटीआई के प्राचार्य एचएस राठौर एवं बीकेबी के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र शक्षावत की उपस्थिति में बच्चों को प्रस्थान से पूर्व सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन में श्री अनिल चोरसिया ने कहा कि संस्था से ही बच्चों को प्लेसमेंट करवाने के प्रति सजग रहती है। इसी कड़ी का यह परिणाम कि आज से 30 बच्चे अपने बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुकेश सहारिया ने बच्चों को अपनी शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि नीमच जिले के लिए ज्ञानोदय निश्चित रूप से शैक्षणिक जगत की एक मिसाल है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। श्री राकेश सोन ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ज्ञानोदय परिसर निश्चित रूप से शैक्षणिक जगत में नीमच जिले की एक श्रेष्ठ उपलब्धि है, जिसमें अध्ययन करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है और संस्था के मैनेजमेंट इसके लिए भरपूर मेहनत करते हैं। यह बधाई के हकदार। और समाज सेवी श्री महेश्वरी ने बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव ने किया, जबकि अवार्ड प्रदर्शन बीकेबी के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश शक्तावत ने किया। इस अवसर पर आईटीआई और पॉलिटेक्निक के समस्त प्राध्यापक विक्रम सर, शोएब मोहम्मद, पंकज नागदा, दशरथ राठौर, भगत राम सहित विद्यार्थीगण उपस्थित थे।